पल्लवी वड़ा, आपके वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। वास्तु लिविंग विद पल्लवी के एक और नए लाइव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस पूरे प्रोग्राम में छोटी छोटी इंटरेस्टिंग वास्तु के टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप अपने घर में, डेली लाइफ में, बिजनेस लोकेशन पे आसानी से वास्तु को अप्लाई करके उसके लाभ उठा सको। और आज हम बात करेंगे मिरर पोजिशन एंड वास्तुशास्त्र। घर में डेकोरेशन में बहुत सारी चीज़ों का अप्लाई किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, लेकिन मिरर जो होता है वो वास्तुशास्त्र में रेमेडी का काम करता है। और बिना सोचे समझे अगर रेमेडी गलत जगह पे अप्लाई हो जाए तो कई बार उसका नुकसान भी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मिरर जो होता है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए घर के मेन डोर के आसपास के एरिया में, फॉयर एरिया में मुख्य द्वार का रिफ्लेक्शन हो, मुख्य द्वार की परछाई उसमें पड़ती हो, उस तरह से मिरर को नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो वो घर और वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है और घर एनर्जी लेस हो जाता है। साथ ही अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से घर में रहने वाले परिवारजनों को छोटी मोटी कंप्लेन, एलर्जी, सीजनेबल जो भी तरह की छोटी मोटी बीमारियां होती है, हर तरह के मेडिकल और हेल्थ इश्यू में प्रोटेक्ट रखने के लिए वास्तु के अनुसार किचन में जहां कहीं आप कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, फायरप्लेस एरिया होता है, बारबेक्यू एरिया होता है, वहां पे भी जहां कहीं फायर होती है उसका मिरर रिफ्लेक्शन अवॉइड करना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात, एजुकेशन के लिए लगातार कोशिश करने वाले लोगों को जहाँ पे भी स्टडी पोजीशन होती है, या फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और अगर आप घर से कोई भी तरह का काम करते हो, बिजनेस में आपकी ऑफिस व्यवस्था है जहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग कॉर्नर है, वहाँ कोशिश करनी चाहिए कि वास्तुशास्त्र के माध्यम से कहीं पे भी बिजनेस और घर में स्टडी के लिए प्रयत्न करने वाले, कोशिश करने वाले लोगों को मिरर का रिफ्लेक्शन अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही जिस पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उनको अपने बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में मिरर का रिफ्लेक्शन अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप मिरर घर में यूज़ नहीं कर सकते हो, इट्स क्वेश्चन ओनली अबाउट द रिफ्लेक्शन। तो जहाँ कहीं मिरर नहीं निकाल सकते हो वहाँ पर आप कर्टन कर सकते हो। वास्तु लिविंग विद पल्लवी के शो में हम आगे चल के छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से घर और बिजनेस में वास्तु को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल देगी।